रीवा से चाकघाट और चाकघाट से कटरा की ओर जाने वाली सभी बसें कटरा बाईपास से होकर गुजरती हैं, जबकि इस रूट की सभी बसों का परमिट कटरा बाजार के अंदर से होकर जाने का है, लेकिन सभी बसें बाईपास होकर निकल जाती हैं और यात्रियों को बाईपास में छोड़ दिया जाता है। साथ ही यात्रियों से मनमाना किराया भी लिया जाता है, जिससे यात्रियों को काफी असुविधा होती है। बस चालकों की मनमानी से परेशान होकर स्थानीय निवासी नीरज सोनी, विजय जायसवाल, रावेंद्र प्रसाद, पीयूष गुप्ता, अनीस प्रजापति ने सीएम हेल्पलाइन का दरवाजा खटखटाया है, जिसके परिणाम स्वरूप रीवा आरटीओ द्वारा पेट्रोलिंग के दौरान रीवा चाक रूट की सभी बसों को निर्देशित किया गया है। साथ ही किराया सूची चस्पा भी की गई है। सभी बस चालकों को निर्देशित किया कि सभी बसें कटरा बाजार से होकर ही जाएं तथा उचित किराया लिया जाए। बाईपास से जाने या गलत किराया लेने पर बस की परमिट या वाहन चालक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। सभी बसों में किराया सूची चस्पा की गई। किराया 1.25 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से लिया जाएगा। कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता नीरज कुमार सोनी, विजय जायसवाल, विभाग अधिकारी व कटरा की आम जनता मौजूद रही।